नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शिव कुमार द्विवेदी पिता स्वर्गीय राममिलन द्विवेदी साकिन करियारी पुष्टैनी निवासियों सिंचाई हेतु मुझे शासकीय योजना अंतर्गत मेरे खेत में विद्युत ट्रांसफार्मर बाबत विद्युत विभाग में आवेदन दिया था। प्रमोद शर्मा पिता स्वर्गीय धर्मराज द्विवेदी निवासी साकिन अटरिया थाना तहसील सेमरिया जिला रीवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने मुझसे विद्युत विभाग प्रभारी को शुल्क के नाम पर पैसों की मांग की। विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर शासकीय शुल्क 10,000 रूपये मात्र मुझसे ठगी कर प्रमोद शर्मा ने मुझसे प्राप्त की। ट्रांसफार्मर शासकीय योजना से मेरे खेत में लगा 10,000 रूपये की कोई शुल्क विभाग में जमा नहीं होने पर रसीद की मांग पर रसीद नहीं देने पर मैंने अपनी राशि वापस मांगी। मेरे और मेरे पुत्र के साथ गाली गलौज वाद विवाद किया जाने लगा जिसकी शिकायत सेमरिया थाने पहुंच कर दी है। शिव कुमार द्विवेदी पिता स्वर्गीय श्री राममिलन द्विवेदी, मैं ग्राम करमई का निवासी हूँ। क्या थाने में शिकायत की है आप? ये ग्राम पंचायत अटरिया के प्रमोद शर्मा पिता स्वर्गीय धर्मराज शर्मा द्विवेदी भी बोलते हैं उनको, ये आपके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। करीब आज के 5-6 साल पहले 2014-15 में हमने ट्यूब बोरवेल करवाया था तो हमको लाइट का प्रॉब्लम था, तो हमारे घर में आए और ये हमारे जो साथ खड़े हैं इनके साथ इनको साथ में लेके आए और इन्होंने बोला कि आप हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका ट्रांसफार्मर 2 दिन में लगवा दूंगा, शुल्क जमा होगा। शुल्क जमा करने के लिए हमसे 10,000 रुपये लेके गए। इसके बाद 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया जब ट्रांसफार्मर नहीं लगा, हमारा खेत ऐसे पड़ा था। फिर मैंने खेत गिरवी करके फिर मैंने अलग से शुल्क जमा करके फिर बाद में मैंने अपना ट्रांसफार्मर लगवाया। जब इनके पास मैं पैसा मांगने गया तो इन्होंने हमको अपशब्द का प्रयोग करके हमें और इनको दोनों को वहाँ से भगा दिए। इसके बाद में अटरिया के केसरी प्रसाद मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा को लेकर के उनके घर में इनको साथ में श्री राम प्रताप कुशवाहा को लेकर के गया। उनके घर में पंचायत लगी, पंचायत में स्वीकार किए लेकिन बोले 1 महीने में देता हूँ, 2 महीने में, 15 दिन में। बाद में बोले कि मेरे से पैसे के बारे में बात मत करो, मैं ये हूँ वो हूँ लीडर हूँ, तुमको फंसा दूँगा, ऐसा करते कि हमको परेशान कर दिए और आज तक हमारा पैसा नहीं मिला। इसके बाद मैंने सिमरिया थाने में भी गया लेकिन हमारा कोई वहाँ पर लिखा पढ़ा नहीं, कोई सूचना नहीं हुआ, मैंने पैसा का चक्कर छोड़ दिया। इसके बाद कल जो है तो मैं पुनः उस पैसे के पीछे सिमरिया थाने गया, वहाँ पर थाने में हमारी रिपोर्ट लिखी गई है। आपके लिए पैसे लिए थे जी? ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए लिए थे कि ट्रांसफार्मर का शुल्क मैं जमा करूँगा, लगवा दूँगा। अब तक नहीं लगा अब ट्रांसफार्मर, फिर मैंने अलग से खेत अपना खेत गिरवी किया, फिर से अलग से शुल्क जमा करके फिर मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया लेकिन उनके द्वारा नहीं हुआ, वो हमारा पैसा 420 करके खा गए। थाने में क्या बोला गया? आप गए थे थाने में? गए हैं तो थाने में हमारी रिपोर्ट जो है तो रिपोर्ट ले लिए हैं और बोले हैं कि मैं इसका भी विवेचना करूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको बतलाता हूँ। नाम बताओ।